तो अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड को घसीटकर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर अपना बदला पूरा करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने यहां कर दी है पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की शुरुआत। आखिरकार जीत लिया गया है टॉस। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बना दिए कितने रन, क्या उतरी है प्लेइंग 11 टीम मैदान पर, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड में से पहला टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं, और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो टेस्ट क्रिकेट में रोमांच की सभी हदें पार हो जाती हैं। और इस बार तो भारतीय टीम के कप्तान एक बार फिर से रोहित शर्मा बने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड टीम की कप्तानी बेन स्टोक्स संभाल रहे हैं, जो कि अपने आप में ही अपनी टीम को ऊपर ले जाने के लिए काफी है। तो वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए मैच के बारे में, तो भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला आप सभी को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम यही चाहेगी कि किसी भी हाल में इस सीरीज को जीता जाए। तो वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए मैच के बारे में, अगर आप भी यह मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 18 के चैनल्स पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है, और कलर्स साइनप्लेक्स पर भी आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा पाओगे। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी है मुकाबला देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों, अगर बात करें आंकड़ों के बारे में, तो भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक कुल मिलाकर अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो 131 मुकाबले खेले गए हैं, जहां 131 में से मात्र 31 मुकाबले भारत ने जीते हैं, तो वहीं 50 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। और अगर बात करें रद्द किए गए मुकाबलों की, तो 50 मुकाबले तो ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। तो आप सभी इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के खिलाफ इंग्लैंड का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है, और इंग्लैंड की टीम को धूल चटाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा को एक से बढ़कर एक नई रणनीतियां बनानी पड़ेंगी और ऐसे खिलाड़ियों को शामिल करना पड़ेगा जो इंग्लैंड की टीम को इस पहले टेस्ट मैच में टिकने ही ना दें। तो वहीं रोहित शर्मा के बल्ले से शतक की उम्मीद पूरा देश रखेगा। तो वहीं यशस्वी जायसवाल उनके साथ पारी की शुरुआत करेंगे, और शुभमन गिल विराट कोहली पर भी हर किसी की निगाहें बनी रहेंगी। वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों आइए आपको टीम बताते हुए चलते हैं। पहले इंग्लैंड का जो स्क्वाड उतर रहा है उसमें बेन डकेट, हैरी ब्रुक, जो रूट, ओली पॉप, जैक क्रॉली, बेन स्टोक्स, रिहान अहमद, बेन फॉक्स, जॉनी बेस्ट्रो, गस एटकिंसन, जैक लीश, जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, ओली रॉबिन्सन, शोएब बशीर और टॉम हार्टले खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह है स्क्वाड इंग्लैंड की टीम का। और भारत के स्क्वाड की बात करें तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा, केएल राहुल, सुरेश अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, श्रीकर भरत, आवेश खान, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार को मौका मिला है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और इंग्लैंड में से पहला टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम कर पाने में कामयाब रहेगी, और भारत की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल कौन शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आप भी एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के लगातार जीरो पर आउट होने पर और उनके जानकर गिल को बाहर करने पर कुछ ऐसा कह गए भारतीय खिलाड़ी को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार अपने बयान में दोस्तों क्या कहकर गए भारत के सभी दिग्गज, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच को धमाकेदार तरीके से जीत कर भारत ने सीरीज को ही 2-0 से अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि सीरीज के दूसरे T20 मैच को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। कहने को तो शुभमन गिल टीम में शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन उनकी जगह पर आए यशस्वी जायसवाल ने ऐसी बल्लेबाजी करी कि 34 गेंदों में 6 छक्के लगाकर पूरे 68 रन बनाकर गए। इनफैक्ट दोस्तों, शिवम दुबे ने भी चेज करते वक्त भारत के लिए 63 रन की नाबाद पारी खेली, वो भी 250 के स्ट्राइक रेट से, जिस कदम पर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम जीत गई इस मैच को पूरे 6 विकेट के अंतर से। खैर दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम तो जीत गई है, लेकिन एक नया विवाद रोहित शर्मा को लेकर खड़ा हो चुका है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा ने इस पूरी T20 सीरीज में कितने रन बनाए हैं, 0।
एक भी रन रोहित शर्मा के नाम दर्ज नहीं है। इनफैक्ट पिछले अपने 5 T20 मैचेस में रोहित शर्मा 4 बार तो 0 पर आउट हुए हैं और 2 बार इस सीरीज के अंदर। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पिछले मैच में रोहित शर्मा गिल के साथ एक मिस कन्फ्यूजन पर आउट हुए थे, लेकिन गलती उनकी ही थी क्योंकि कॉल भी उनका था। खैर दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस बार गिल को बाहर किया, जायसवाल को खिलाया। जायसवाल तो सही खेल गए लेकिन रोहित खुद ब खुद 0 पर आउट हो गए, जिस पर ना। और दोस्तों क्योंकि रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को जानकर दूसरे T20 से दूर रखा और खुद भी 0 पर आउट हो गए, अब रोहित की इसी हरकत पर भागते हुए ना भारतीय दिग्गजों ने उनकी क्लास ले डाली है। आखिरकार किसने रोहित के 0 होने पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने कहा, एक टीम के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा आप सबसे गलत एग्जांपल सेट कर रहे हैं। पिछले 5 T20 मैचेस में आपने इतना घटिया प्रदर्शन किया है जैसे कोई युवा कप्तान भी ना करे। आप 0 पर 4 पर आउट हो गए हैं, आपको सोचना होगा। और ये जो गलत फैसले हैं गिल को बाहर करने के, ये सरासर गलत साबित हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में भारत के लिए, क्योंकि खिलाड़ियों की इतनी अदला बदली उनका कॉन्फिडेंस तोड़ कर रख देगी। आप जरा सोच कर कप्तानी कीजिए। वहीं दोस्तों MS धोनी ने भी कहा, शुभमन गिल एक उम्दा खिलाड़ी है, उनको अगर इतनी बार टीम से बाहर रखा जाएगा वो भी T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो तैयारी कैसे होगी। और फिर एन वक्त पर अगर वो चलेंगे नहीं तो फिर ब्लेम उन पर आएगा, जबकि खुद रोहित अपनी फॉर्म को नहीं संभाल पा रहे। रोहित को अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। साथ ही दोस्तों सहवाग ने भी लिखा, रोहित टीम तो बहुत अच्छा कर रही है लेकिन आप कब अच्छा करेंगे, आपको बल्लेबाजी करता हुआ देख आंखें तरस गई और आप गिल को बाहर कर खुद भी 0 पर आउट हो रहे हैं। जब आपकी ट्यूनिंग ही उनके साथ बैठती है तो क्यों ना एक और मौका देकर आप दोनों अच्छे से बैटिंग भी करें और सुलटा भी ले मामले को। उम्मीद है आप मेरी बात को याद रखेंगे अगला मुकाबला खेलने से पहले। वहीं दोस्तों सुनील गावस्कर ने भी लिखा, शुभमन गिल को बाहर करना एक सरासर गलत फैसला था, बशर्ते इस बात के यशस्वी जायसवाल अच्छी बल्लेबाजी कर गए। इंदौर का मैदान है तो अच्छी बल्लेबाजी तो होनी ही थी, लेकिन ऐसे मैदान पर भी रोहित का 0 पर आउट होना वाकई में चिंताजनक है बाकी खिलाड़ियों के लिए। रोहित को पहले अपने आप पर काम करना चाहिए और फिर अपने फैसलों पर भी, क्योंकि इतने खिलाड़ियों की अदला बदली खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ मरोड़ कर रख देगी। दोस्तों भारत के सारे दिग्गजों ने रोहित के फैसले को गलत बताया है, क्योंकि उनकी खुद की फॉर्म उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन आप सभी का क्या मानना है, क्या रोहित को गिल को टीम से बाहर रखना चाहिए, हाँ या ना, नीचे बताइएगा जवाब। और ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, विराट कोहली को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों छक्के चौकों की बारिश से अंतिम ओवर में हारा हुआ मैच इस तरह से पलट कर रख दिया शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल ने कि देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। पूरी बल्लेबाजी दिखाएंगे शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली की। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मुकाबला होलकर स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टॉस जीत कर बाजी करने का फैसला किया और यह फैसला उनका बिल्कुल सही भी साबित होता हुआ ही नजर आया, क्योंकि यहां अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बना पाने में कामयाब रही। अब भारत के गेंदबाजों ने यहां अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती कुछ ओवरों में खूब रन पड़वाए, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला अंतिम ओवर तक बढ़ता चला गया यहाँ पर पूरे 10 के 10 विकेट भारतीय गेंदबाजों के नाम रहे। इस बीच हुआ ये था, रहमानुल्ला गुरवाज और इब्राहिम जादरान ने जब पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 20 रन जोड़े थे। इस बीच रहमानुल्ला गुरवाज 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए, तो वही गुरवाज के आउट हो जाने के बाद गुलबदीन नायब का बल्ला चला और उन्होंने 57 रन जड़ डाले, वो भी 5 चौके और 4 छक्कों की बदौलत, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम को अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी थी। और अब इब्राहिम जादरान 8 रन, अजमतुल्ला ओमरजई 2 रन, मोहम्मद नवी 14 रन बनाकर ही आउट हुए। हालांकि इस बीच नजीबुल्ला जादरान और करीम जनात ने पारी को संभाल तो लिया था, लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह ने उनको अपने आगे टिकने नहीं दिया। अर्शदीप सिंह ने दोनों खिलाड़ियों को चलता किया, जिसके चलते इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह के नाम 3 विकेट रहे, तो वही 2 विकेट रवि बिश्नोई को मिले, 2 विकेट अक्षर पटेल और 1 विकेट शिवम दुबे के नाम रहा। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की,
इस मैदान पर तेजी से रन बनाकर मैच जीतने की। अब भारत की तरफ से जब 173 रन के लक्ष्य के जवाब में रोहित शर्मा उतरे तो यहां भारत के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल से हर किसी को उम्मीदें लग रही थी कि एक अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी और दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। इस बीच देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर पहली ही गेंद पर चौका जड़कर यशस्वी जायसवाल ने बता दिया था कि वो मैदान पर क्या करने के लिए आए हैं। और यहां यशस्वी जायसवाल तो छोड़ो, रोहित शर्मा से जो उम्मीदें पूरा भारत देश लगाकर बैठा हुआ था, यहां पर रोहित शर्मा ने सभी को निराश किया। जी हां दोस्तों, फजल अक फारूकी ने जब रोहित शर्मा को पहली गेंद डाली तो यहां रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के लिए गए और पहली गेंद पर वो बोल्ड आउट हो गए, जिसके चलते यहां भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका 5 रन के कुल स्कोर पर लगा और रोहित शर्मा काफी हताश और निराश नजर आए क्योंकि लगातार दो मुकाबलों में वो कोई भी रन बना नहीं पाया। अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद उतरे विराट कोहली, जहां विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने तो मिलकर अकेले बलबूते पर यह मुकाबला पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते थे कि अफगानिस्तानी गेंदबाजों को अगर आड़े हाथों लेना है और इनसे अगर अपना पुराना हिसाब चुकता करना है तो यहां थोड़ा धीमी शुरुआत करो और उसके बाद ऐसे रन बनाओ कि ये खुद बौखला जाए, और यही हुआ। यहां पर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली थोड़ी धीमी शुरुआत करते हुए नजर आए, लेकिन मुकाबला जब आगे बढ़ता चला गया तो यहां यशस्वी जायसवाल ने रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने सबसे पहले तो अपना अर्धशतक मात्र 22 गेंदों के भीतर ही पूरा कर लिया, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली जो कि 15 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रहे होते हैं, उनको नवीन उल हक ने इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट करवा के चलता किया। अब भारत को दो बड़े झटके 62 रन के कुल स्कोर पर लग चुके थे टीम इंडिया ने, लेकिन यहां पर मुकाबले में अब पकड़ बना ली थी क्योंकि अब सब जानते थे कि यशस्वी जायसवाल मैदान पर हैं और अब उनका साथ निभाने के लिए शिवम दुबे भी आ गए हैं जो कि बड़ा स्कोर भारत के लिए आसानी से बना देंगे। और देखते ही देखते अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल के बल्ले से छक्के चौकों की बरसात देखने के लिए मिली और दोस्तों फिर क्या था, यह मुकाबला पहले ही भारत के नाम था और इस पर मोहर लगाकर यशस्वी जायसवाल शिवम दुबे ने अपने नाम करवा लिया। वहीं हम आपको बताते हुए चलें कि यहां रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल के विकल्प भी मौजूद थे भारत को मैच जिताने के लिए, लेकिन शुरुआती बल्लेबाजों ने ही जो कारनामा कर दिखाया रोहित शर्मा को छोड़कर वो काबिले तारीफ है। और भारतीय टीम की शानदार जीत पर अंतिम ओवर में आप सभी क्या कहना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट